वहीं सारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूड़ी 2 मई को नामांकन करेंगे और रूड़ी ने कहा कि उनकी लड़ाई रोहिणी आचार्य से नहीं बल्कि लालू यादव से है। लालू चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने रोहिणी आचार्य को सामने लाया है। तापमान बहुत ज्यादा 40-45, अनुभव का अभाव, ट्रेनिंग नहीं है। अब जिस दिन आप राजीव प्रताप रूड़ी को बेवकूफ कह जाते हैं तो मतलब कि जो भी मतदाता हमको छपना में वोट दिया सब बेवकूफ है, नहीं पता चलता है, बोल जाते हैं। कभी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप कह देते हैं कि इनके इनका बाल बच्चा पड़ोसी का है, तो अपने से जब आप गलती करते जाते हैं, हम लोग तो कोई ऐसा बयान नहीं, ना हम कभी देखे होंगे, हम तो कहते हैं बेटी है उसको आशीर्वाद देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अपने से आप अगर थोड़ा सा लालू जी को ध्यान देना पड़ेगा, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है।